तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को ये दिखा देता हूँ कि जो तरीका मैं आप सभी को बताने वाला हूँ उस तरीके से क्या मेरा वॉच टाइम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अगर मेरा नहीं बढ़ा हुआ रहेगा तो आपका कहाँ से बढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन पर जाकर के दिखाते हैं, तो देख सकते हैं कि टोटल हमारे चैनल पर 3000 पब्लिक वॉच आवर कंप्लीट हो गए हैं और 644 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। अगर मैं दिखाना चाहूँ कि भाई ये चैनल मैंने कब बनाया, तो सबसे पहले यूट्यूब पर सर्च आप करके देख लेंगे, यहाँ पर से हमारा चैनल टेक अमानत ऑफिशियल। अगर मैं इस पर क्लिक करके आप सभी को यहां पर से वो अबाउट पे जाकर के दिखाना चाहूं, तो सबसे पहले नीचे आकर के देख लेंगे कि भाई ये चैनल मैंने ज्वाइन किया 31 अक्टूबर 2022, यानी कि अभी हमारा जाकर के वो अक्टूबर हो गया, यानी कि नवंबर दिसंबर ओनली 2 मंथ हो रहे, क्योंकि अभी जनवरी स्टार्ट ही हुआ है। ओनली 2 मंथ में भाई मैंने अपने चैनल पर यहां पर से वो टोटल 3000 वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिए और मेरी बातों को समझिए, आपका भी इसी तरह से 100% वॉच टाइम कंप्लीट करवा दूंगा। तो वीडियो को अच्छे से देख लीजिए एंड समझ लीजिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेक अमानत ऑफिशियल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के लिए डेली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेकर के आता रहता हूँ। तो भाई वीडियो के स्टार्टिंग में अभी अभी मैंने आपको दिखाया कि हमारे चैनल पर लगभग 3000 पब्लिक वॉच आवर कंप्लीट हो गया है और भाई मैंने अपने चैनल को बनाए हुए ओनली 2 मंथ हुआ है, ठीक है। तो यानी कि 3 मंथ तक अगर हमारे चैनल पर सही से काम होता रहा तो हमारे चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। यानी कि आप एक यूट्यूब चैनल को सही तरीके से चलाएं तो भाई बहुत काफी है, 3 मंथ में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो काफी लोगों का मेरे से ये क्वेश्चन था कि सर आप ये बता दें प्लीज कि हम अपने चैनल का जो है वो वॉच टाइम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है यूट्यूब शॉर्ट्स से अगर आप शॉर्ट्स डालते हैं आपका एक शॉर्ट्स दो शॉर्ट्स निकल गया तो क्या होता है कि आपका सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन वॉच टाइम भाई आपका नहीं कंप्लीट हो पाता, जिसकी वजह से आपका जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज नहीं हो पाता, आप वहां से पैसे नहीं कमा सकते, ठीक है। बट अभी जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने YouTube चैनल का वॉच टाइम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप इस बात को ध्यान से सुन लेंगे एंड ध्यान से समझ लेंगे और भाई जो मैं बता रहा हूँ अगर उस चीज पे आप काम करेंगे तो 100% 3 मंथ के अंदर आपके चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइबर पाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, थोड़ा सा जो टफ है वो वॉच टाइम है, ठीक है। तो चलिए अभी आपको करना क्या है मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपका जिस भी कंटेंट का यूट्यूब चैनल है, जो भी कंटेंट आप उस पर डालते हैं डजंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता, आप जो डालते हैं एक चीज मैटर करता है कि आपका जो कंटेंट है वो कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कॉपीराइट क्लेम होता है तो उसका वॉच टाइम नहीं काउंट किया जाता है। दूसरा चीज है कि अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पे ओनली शॉर्ट्स डालते हैं तो भाई आपके चैनल पे वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होगा। अगर आपको ये मोनेटाइज करना है अपने चैनल को तो आप इतना ज्यादा शॉर्ट्स डालेंगे ना कि आपके चैनल पे 90 दिन में लगभग 10 मिलियन व्यूज जाना चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर जाना चाहिए, तभी जाकर के आपका शॉर्ट्स चैनल मोनेटाइज होगा। लेकिन अगर आप हमारे तरीके से इस तरह से वीडियो बनाकर के अपने चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हैं तो बातों को अच्छे से समझ लीजिए, सुनिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपका कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए, दूसरी बात आप यूट्यूब शॉर्ट्स से मोनेटाइज इतनी आसानी से नहीं कर सकते, ठीक है। अभी इस तरह से मोनेटाइज कैसे करना है, देखिए आपका मान लीजिए एक रिव्यू का चैनल है, आपका टेक का चैनल जिस तरह से मेरा है, आप मतलब कोई भी अनबॉक्सिंग वगैरह चैनल, ठीक है। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करो, एकदम ध्यान से समझिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करो, ठीक है। यानी कि एक दिन में अगर आप 2 वीडियो अपलोड कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, अगर 3 कर ले रहे हो तो भाई जो इतना अच्छा है ना कि मैं बोल नहीं सकता, ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है 3, तो कम से कम आप 2 वीडियो तो अपलोड करो ही दिन भर में, ठीक है। और ध्यान रहे कि आपके कंटेंट पे कॉपीराइट नहीं आना चाहिए, ठीक है, तभी उसका वॉच टाइम काउंट होगा। अभी सोचिए कि अगर आप अपने चैनल पे 1 वीडियो अपलोड करते हो इस तरह का, तो क्या है कि आपके चैनल पे 1% चांसेस रहते हैं कि आपके चैनल पे 4000 वॉच आवर कंप्लीट होगा। अगर आप 2 वीडियो अपलोड करते हो तो 2% चांसेस रहते हैं। अगर आप अपने चैनल पे 100 वीडियो अपलोड कर देते हैं तो 100% चांसेस बन जाता है कि आप YouTube के क्राइटेरिया को पूरा करके अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका क्राइटेरिया क्या है कि साल भर के अंदर आपको 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच आवर कंप्लीट चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया 100 वीडियो पे, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने चैनल पे 300-400 वीडियो अपलोड कर दिए तो सोचिए आपका चैनल जो है वो 3 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा मोनेटाइजेशन इसका, क्योंकि यहां से वॉच आवर आपका आएगा ही आएगा गारंटी, ठीक है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आप अपने चैनल पे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो अपलोड करो। एंड एक चीज और है जो आपको समझना चाहिए, आप अपने चैनल पे अगर लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो या फिर आप कर सकते हो, आपका नेटवर्क वगैरह सही है, तो आप कोशिश करो कि अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग करने का, ठीक है। आप जितना ज्यादा लाइव स्ट्रीमिंग करोगे उतना ज्यादा पब्लिक वॉच आवर आपका काउंट होगा। एंड लाइव स्ट्रीम में क्या है कि अगर आप अपने भाई लोग को बोल दिए कि भाई मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ आप हमारे वीडियो को देख
देखो तो वो जब आपके वीडियो को वॉच करेगा तो भी आपका वॉच टाइम जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप 4-5 लोगों को सेट कर लो, सेट करने के बाद आप इस तरह से लाइव स्ट्रीमिंग करो, उससे भी आपका पब्लिक वॉच पर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस जो मैंने आपको बताया वो 100% नहीं 1000% वर्किंग है। सेम उसी प्रोसेस से मैं अपने चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट कर रहा हूँ धीरे धीरे, कि कोई भी चीज़ एक बार में नहीं होता, उसको धीरे धीरे करना पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं भाई जो मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो कल वीडियो को लाइक एंड साथ ही साथ करते जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको पता है कि मैं आप सभी के लिए डेली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेकर के आता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिलहाल वीडियो में ही तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।